हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एस मेडिकल स्टोर में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में एमसेफ इंजेक्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स, एमसेफ इंजेक्शन क्या है, क्या इसके फ़ायदे हैं, किस बीमारी में ये काम आता है, ये क्या इसके यूज़ हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, किस तरीके से इसको लगाया जाता है, फ्रेंड्स ये सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फ्रेंड्स पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस वीडियो को शेयर करें। और फ्रेंड्स, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बात करता हूँ एमसेफ इंजेक्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये एमसेफ्ट इंजेक्शन है, जो कि सेप्टीजॉक्सिन इंजेक्शन आईपी 3000 mg में वेटरनरी का एक इंजेक्शन है। तो फ्रेंड्स, इसका जो है ये सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बता दूं, ये जो है एमसेफ्ट इंजेक्शन है जो कि एलेम्बिक कंपनी का आता है फ्रेंड्स। और इसका क्या काम रहता है, तो जितने भी हमारे पशुपालक भाई हैं जो पशुओं को पालते हैं, गाय भैंस इनको जो पालते हैं फ्रेंड्स, तो होता क्या है कि कभी कभी पशुओं को मेस्टाइटिस रोग हो जाता है, जिसे कि हम थनेला रोग बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, जिसके कारण हमारे पशुओं के जो थन होते हैं बहुत ज़्यादा बेकार हो जाते हैं फ्रेंड्स, और कभी कभी बहुत ज़्यादा उन पर सूजन आ जाती है, एक तरफ कभी गांठ सी पड़ जाती है थनों में। और फ्रेंड, जिसके कारण जो है हमारे पशुओं का जो दूध है फ्रेंड्स ब्लड के साथ आने लगता है, खून सा आने लगता है, मवाद सी पड़ जाती है, छिछले से आते हैं, बहुत ज़्यादा बदबू सी आती है फ्रेंड्स। तो इस तरीके की परेशानी हमारे पशुओं को हो जाती है, गाय भैंस को, जैसे कि हम मेस्टाइटिस रोग बोलते हैं, यानी कि थनेला रोग बोलते हैं। तो थनेला रोग जो हो जाता है वो एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है फ्रेंड्स, ये थनेला रोग। तो थनेला रोग के ही लिए ये एमसेफ्ट इंजेक्शन जो है तैयार हुआ है फ्रेंड्स, ये वेटरनरी का इंजेक्शन है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये जो है एमसेफ्ट जो इंजेक्शन है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो ये सिंगल डोज वायल फॉर आईवी है ओनली, यानी कि जो आईवी है डॉक्टर जो है आईवी में इसे लगाते हैं फ्रेंड्स। तो अगर इस तरीके की कोई भी परेशानी अगर हमारे पशु को, गाय भैंस को अगर हो रही है, तो फ्रेंड्स आप एमसेफ्ट इंजेक्शन का ज़रूर इस्तेमाल करें, ज़रूर इसका यूज़ करें। आप किसी भी अपने डॉक्टर की सलाह से, वेटनरी के डॉक्टर की सलाह से ही इस एमसेफ्ट का इंजेक्शन का इस्तेमाल करें अपने पशु के लिए। ये फ्रेंड्स 3000 mg में आता है फ्रेंड्स। और जैसे कि फ्रेंड्स, ये एमसेफ जो इंजेक्शन है, यानी कि थनेला रोग का, जो इसके और नाम से भी मार्केट में इंजेक्शन अवेलेबल हैं, पर अगर आपको ओरिजिनल इंजेक्शन ही चाहिए तो फ्रेंड्स आप इसको एलेम्बिक कंपनी का ही लें, क्योंकि ये हमारे जो हिंदुस्तान मतलब जो कि मार्केट में अवेलेबल है फ्रेंड्स, ये एलेम्बिक कंपनी का ही ओरिजिनल प्रोडक्ट आता है, और एलेम्बिक कंपनी ही इस एमसेफ को बनाकर तैयार करती है एकदम ओरिजिनल। तो आप जो अगर आपको लेना हो किसी डॉक्टर की सलाह से, या फिर आप लेने जा रहे हो किसी भी मेडिकल शॉप पे, तो आप एलेम्बिक कंपनी का ही लें, किसी अदर कंपनी का आप इस प्रोडक्ट को या इस इंजेक्शन को ना लें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूँ इसके प्राइस की, कि इसकी क्या प्राइस है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो ये फ्रेंड्स जो है 805 रुपये इसके MRP रुपीज़ हैं फ्रेंड्स। और तो यानी कि फ्रेंड्स 805 रुपये जो कि आपको दिख रहा होगा, 805 रुपये इसलिए हैं क्योंकि फ्रेंड्स ये बड़ा महंगा इंजेक्शन आता है, ये वन शॉट इंजेक्शन होता है फ्रेंड्स। यानी कि अगर थनेला रोग की अगर कोई भी जैसे परेशानी हमारे पशुओं को अगर हो रही है, तो आप इस इंजेक्शन को सिर्फ एक ही बार लगाइएगा, और एक ही बार में आपका जो थनेला रोग है उससे आपको मुक्ति आपके पशु को बिल्कुल मिल जाएगी फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा हाई एंटीबायोटिक मतलब हाई जो है क्वालिटी का एक इंजेक्शन है, बहुत ज़्यादा ये हैवी इंजेक्शन है। तो फ्रेंड्स, आप जब एक बार इसको पशु को लगाओ, तो एक ही बार में आपका पशु जो है थनेला रोग से मुक्त हो जाएगा, आपको दोबारा इसके लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स, क्योंकि ये इतना हैवी इंजेक्शन है जो कि एमसेफ्ट इंजेक्शन है, इसलिए इसके जो मार्केटिंग प्राइस है फ्रेंड्स इतने ज़्यादा महंगे हैं, क्योंकि ये 805 रुपये का इंजेक्शन इस समय आ रहा है फ्रेंड्स। तो
फ्रेंड्स, ये जो इंजेक्शन है यानी कि अंदर से जैसे जो निकलता है फ्रेंड्स, ये एक पाउडर के रूप में आता है, सूखा पाउडर के रूप में आता है फ्रेंड्स। तो इसको इसके साथ में एक 20 ml यानी कि वाटर आता है, तो उसको मिलाकर उसको गीला करके फ्रेंड्स लगाते हैं डॉक्टर लोग। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरीके की कोई भी परेशानी अगर आपके पशु को हो रही है, गाय भैंस को थनैला रोग की जिसे मेस्टेरियल रोग कहते हैं फ्रेंड्स, तो जैसे कि मतलब थन वगैरह सूजना, गांठें पड़ना, या फिर एक तरफ का ज़्यादा भारी हो जाना, या फिर दूध के साथ ब्लड आना, या फिर मवा से आना, चिचड़े से आना, बदबू से आना, तो ऐसी कोई भी परेशानी अगर पशु को हो रही है फ्रेंड्स, तो आप एमशेफ इंजेक्शन का ज़रूर इस्तेमाल करें, ज़रूर इसका यूज़ करें। बहुत ज़्यादा ये अच्छा एक इंजेक्शन है, बहुत फास्टली इसका वर्क है और बहुत हैवी ये इंजेक्शन है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो किसी भी डॉक्टर की सलाह से ही आप इसका इस्तेमाल करें, इसका यूज़ करें। बिना डॉक्टर की सलाह से आप इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि डॉक्टर की सलाह से अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा फ्रेंड्स। पर हाँ, ये इंजेक्शन एमसेप जो इंजेक्शन है फ्रेंड्स, ये मार्केट में अवेलेबल एमसेप नाम से हैगा, और किसी भी मेडिकल शॉप से आप इसको खरीद सकते हो। लेने में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम ऐसी हो रही है तो आप इसको लीजिएगा, और डॉक्टर की सलाह से ही आप इसका इस्तेमाल करें फ्रेंड्स। और मैं एक बार फिर से लास्ट में बता दे रहा हूँ कि जब भी अगर आप मेडिकल शॉप पे ख़रीदने जाओ फ्रेंड्स, तो आप एलेम्बिक नाम से ही इसको लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।